अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बताऊंगी कि हम घर में ओरियो आइसक्रीम किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ 3 चीज़ों की मदद से आपके घर में ज़बरदस्त सी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में 2 कप क्रीम के लेने हैं, इसको हमने व्हिप कर लेना है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि क्रीम को व्हिप करने से पहले आपने आधा घंटा पहले इसे फ्रीज़र में रख देना है, ताकि जो आपकी क्रीम है वो अच्छे तरीके से चिल होनी चाहिए। और हम इसे तब तक व्हिप करेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट पीक नहीं बन जाते। तो क्रीम जो है वो हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क का। कंडेंस्ड मिल्क की ऑलरेडी मैं रेसिपी अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। उसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क रेसिपी बाय फूड प्रो, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी कंडेंस्ड मिल्क की। अब आपने इसमें वो डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 12 ओरियो कुकीज़ हैं जिन्हें हमने क्रश कर लेना है। आप इसे चाहे तो ज़िपलॉक बैग में डाल के भी क्रश कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसे ब्लेंडर में डाल के भी क्रश कर सकते हैं। तो हमारी ओरियो कुकीज़ को हमने क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी होगी। और हमने जो क्रीम व्हिप करके रखी थी कंडेंस मिल्क के साथ, इसमें हमने अब ओरियो बिस्किट्स क्रश किए हुए डाल देने हैं और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, मिक्स करने के बाद इस तरह की लुक होगी इसकी। तो हमारा जो क्रीम और ओरियो कुकीज़ का मिक्सचर था, अब हमने उसको डाल देना है किसी भी अच्छे से मोल्ड में। आप इसको डाल दें, आप इसे चाहे तो स्टील के मोल्ड में भी डाल सकते हैं, प्लास्टिक के मोल्ड में भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको स्टील के मोल्ड में डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाती है। तो हमने अब अपने इस मोल्ड को रख देना है फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटों के लिए। ये डिपेंड करता है आपके मोल्ड पे और आपकी जो कूलिंग है फ्रीज़र की उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है ये 1 रात का टाइम भी ले सकती है आपकी आइसक्रीम, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटों में फ्रीज़ होगी। तो अब मैं अपने मोल्ड को रखने लगी हूँ फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटों के लिए। उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो 8 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी आइसक्रीम फ्रीज़ हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी ना ज़्यादा ये हार्ड है ना ही ज़्यादा आइसक्रीम हमारी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी फ्रीज़ हुई है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हुई है। तो अब मैं आपको इसको डालकर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप इसे जिस तरह से चाहे गार्निश कर सकते हैं, आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ओरियो कुकीज़ के साथ गार्निश कर रही हूँ, कुछ मेरे पास यहाँ क्रश की हुई है मैं वो डाल रही हूँ इस पर। जी तो नाजरीन, ये है फाइनल लुक हमारी ओरियो आइसक्रीम की, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब आपको आइसक्रीम बाहर से मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर में बनाएं और इंजॉय करें। तो बिल्कुल आपको इसका मार्केट जैसा रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट मिलेगा। तो आप इसे बनाएं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।